हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस ने अभी जस्ट वैकेंसी निकाली है, आज ही का नोटिफिकेशन है, और जिसमें इन्होंने 9,000 के आसपास आपके कांस्टेबल में वैकेंसीज निकाली हैं और 1,500 के आसपास आपके फायरमैन पोस्ट में इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। एग्जैक्ट देखिए 9,990 इन्होंने देखिए दोस्तों कांस्टेबल के लिए निकाली हैं, वहीं फायरमैन पोस्ट के लिए 1965 निकाली हैं। देखिए बहुत ही ट्रिकी टाइप का इन्होंने इसमें बदलाव किया है, जो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो यहाँ पे चीज है कि इसके आवेदन पत्र की अंतिम तिथि कब है, तो 30/6/2018, और कब से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, तो 28/5/2018, ठीक है, 28/5/2018 से लेकर 30/6/2018 तक का आपका तिथि है, इसके बीच में आपको ये फॉर्म भरना है। देखिए दोस्तों, इसका जो पैटर्न होगा पर्टिकुलरली, देखिए संयुक्त परीक्षा होगी, जितने भी आपके पोस्ट हैं बिहार के, और जैसे ये फायरमैन का हो गया, और जो पुलिस के इसमें देखिए काफी अलग अलग टाइप के पोस्ट हैं, सबके इसमें देखिए सेम एक साथ पेपर होगा और संयुक्त परीक्षा होगी, और जो आपका लिखित परीक्षा होगी दोस्तों वो एक सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। अगर आप उसमें पास होंगे तो आप अगले टर्म पे जाएंगे जो फिजिकल होगा, और मेन सिलेक्शन यहाँ पे फिजिकल से होना है। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म आप कहाँ भर सकते हैं, तो देखिए csbc.bic.nic.in पर लॉगिन करिए, यहाँ पे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था कि जो इसमें पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखिए एग्जाम देना होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क नंबर लाने हैं। अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो आप अगले चरण पे जाएंगे, और ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपके एंड मार्किंग में काउंट नहीं होगा, आपके सिलेक्शन में ये एग्जाम काउंट नहीं होगा। इस एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको 30% अंक लाने हैं, जो भी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने से असफल रहेंगे वे डिस्क्वालीफाई या निरहित घोषित किए जाएंगे, ठीक है। तो 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं जो लिखित परीक्षा होगी, और तब आप जाके पास होंगे, फिर आपका शारीरिक ये जो योग्यता परीक्षा होगी वहां पे आप उसमें करेंगे, और फिर वहां से आपकी सूची तैयार होगी कि कौन कौन सेलेक्ट होगा कौन कौन नहीं होगा। और जो शारीरिक योग्यता परीक्षा से जो सूची तैयार होगी उसमें ये वाला जो एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है उन्हें सिर्फ वहां पे पास होना है, और अगर आप फिजिकल में अच्छे हैं, आप गेम्स में अच्छे हैं, तो आपको अपनी फिजिकल पे ध्यान देना है, ठीक है, आप गेम्स में ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के जो लिखित एग्जाम है इसकी तैयारी हमारे चैनल पे हम करा रहे हैं, आप हमारे चैनल को खोलेंगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट होगी बिहार पुलिस के नाम से, उसमें आपके जितने भी वीडियोज हैं जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है सब कुछ मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और सब्सक्राइब तो करिएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्म भरेंगे कैसे, क्या क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12वीं पास होना चाहिए देखिए इंसान, अगर आपको ये फॉर्म भरना है, और अगर आप मदरसा बोर्ड से पढ़े हैं तो मौलवी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से पढ़े हैं तो निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, तो 1/1/2018, तो यहाँ पे देखिए एज आपकी 1 जनवरी 2018 से ली जा रही है, सामान्य मतलब जनरल वर्ग के लोगों के लिए और पुरुषों में महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 18 साल है, ये बात ध्यान रखिएगा, और अधिकतम 25 है, तो 18 से 25 जनरल के पुरुष और महिला फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 है और अधिकतम उम्र 27 साल है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 व अधिकतम 28, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 30 के बीच में, ठीक है, 18 से 30 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सभी कोटि आरक्षण कोटि के रक्षकों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। देखिए जो गृह रक्षकों से इस कैटेगरी के जो फॉर्म भरेंगे उसमें अगर आप इन चारों में से किसी भी कास्ट में होंगे तो आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, जो भी आपके यहाँ पे लिमिट होगी। जैसे कि कोई पिछड़ा वर्ग से होगा तो वहां 28 की जगह इसमें 5 जुड़ जाएगा, 30 की जगह 5 और जुड़ जाएगा, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये बात हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे क्या फॉर्म भरना है। दूसरी वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे आपके बना के डाल दिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं इस वीडियोस के बारे में कि कैसे फॉर्म भरना है क्या भरना है, तो आप यहाँ पे सब कुछ समझ सकते हैं कैसे क्या करना है। और ध्यान रखिएगा कुछ भी गलती ना हो जाए, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन उसके बगल में बटन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही हम बिहार पुलिस के लिए कुछ भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए शारीरिक आपकी मापदंड क्या होने दोस्तों, जो आपकी ऊंचाई है अनारक्षित सामान्य वर्गों के पुरुष एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है,
अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम मतलब मिनिमम 162 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में न्यूनतम 158 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सीना की बात हो रही है सिर्फ पुरुषों के लिए, क्योंकि सिर्फ लड़कों पे एप्लीकेबल है ये, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सामान्य वर्ग की बात यहाँ पे हो रही है, पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए एससी एसटी के लिए यहाँ पे बात हो रही है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनिमम है ये, मैक्सिमम तो आप इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बीसेपू गोरखा बटालियन में, जो पर्टिकुलरली गोरखा बटालियन है उसके अंदर, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। इसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन से पुलिस के आपकी जो भर्तियां हैं, जैसे कैटेगरी कौन कौन सी आपको पोस्ट मिल सकती है, तो यहाँ पे आप देखिए विशिष्ट इंडिया रिजर्व वाहनी एवं बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहनी आदि, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म भरते टाइम को आपको अपना प्रेफरेंस लिखना होगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्योंकि सारी एग्जाम एक साथ हो रही है, फायरमैन से लेकर सारे एग्जाम एक साथ होंगे, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक लिखना होगा कि आपको पहली प्रेफरेंस क्या है, दूसरी प्रेफरेंस क्या है, तीसरी प्रेफरेंस क्या है, मतलब आप पहले किसको चुनना चाहते हैं, यहाँ पे वो चीज आपको लिखनी होगी। अब यहाँ पे देखिए और आगे बढ़ते हैं, मैंने सीना ऊंचाई तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो पहले देखिए यहाँ पर 10+2 के जो लेवल का एग्जाम होता है वो होगा, जिसमें 100 अंकों का एग्जाम होगा ये, और ये सिर्फ पासिंग मार्क लाने के लिए है, 30% से ऊपर आपको लाना है, अगर आप ये पास कर लेंगे तो फिर आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे और वहां पे इस एग्जाम का नंबर काउंट भी नहीं होंगे, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटों का पेपर होगा दोस्तों, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, और प्रश्न पत्र में 50 हिंदी अंग्रेजी सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है, तो देखिए जो आपके 100 नंबर में से 50 नंबर हैं वो तो हिंदी अंग्रेजी सामान्य ज्ञान पे हो गए, तो ये सब हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए 50 नंबर हैं दोस्तों, उसमें 25-25 नंबर के 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, और वो आपका वैकल्पिक विषय है, आपको अपने हिसाब से चुनना होगा फॉर्म भरते टाइम पे, जिसमें आप गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 भी सब्जेक्ट को आप इसमें से चुन सकते हैं, ठीक है। इतनी जो लिस्ट है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, और विषय का कोड देखिए आप उसमें भर दीजिएगा, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट में आपको आंसर लिखना होगा, वहां पे आपके सामने सारे कोड लिखे होंगे, उसमें से आपको कोड लिख देना है कि हाँ मैंने ये वाला कोड भरा है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ओएमआर देखिए सभी को पता है क्या होती है, एक शीट होती है, उसमें आपको टिक बिंदी पे टिक लगाना होता है कि हाँ हाँ, मतलब बिंदी पे गोला पूरा भरना होता है कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो ओएमआर शीट बहुत अच्छे से भरिएगा, अगर उसमें गलती हो जाती है, बहुत लोगों से उल्टा सीधा भर देते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर खराब हो जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, तो देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं एवं पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट सिलेबस सीरीज के, मतलब देखिए बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या है, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट कर लीजिएगा, इंग्लिश, बाकी सब कुछ देखिए हमारे चैनल पर लूसेंट की पूरी सीरीज चल रही है, आप यहाँ से लूसेंट पूरी कवर कर सकते हैं, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। टेलीग्राम देखिए दोस्तों एक ऐप होती है जैसे व्हाट्सएप होता है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नंबर रजिस्टर करिए, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे ग्रुप पे आ जाएंगे, वहां पे मैं आपको सारी पीडीएफ ऐसी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी किताबों की पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल मिल जाएगी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा ही है कि 30% अंक लाने होते हैं जो भी आपका मतलब एग्जाम होगा, उसके बाद आप अगले चरण पे आ जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची के आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा, अर्हक होगा, ठीक है। तो अर्हक है ये कोई इसमें काउंट नहीं होगा, एंड में जब आपके लिए होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। और देखिए इन दी एंड जो शारीरिक योग्यता होगी उसी के थ्रू आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण जो शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी वो बेसिकली होगी क्या, तो अब यहाँ पे देखिए 50 अंक का दौड़ होगी इसमें आपकी, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट, ठीक है। 1.6 किलोमीटर आपको चलना है मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर, 5 मिनट तक के अंदर अगर आप ट्रेवल कर लेंगे तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे, 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप करोगे 40 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5:40 के बीच में करोगे तो 30, 5:40 से 6 मिनट के बीच में करोगे तो 20, 50 नंबर का आपका ये होगा। तो देखिए अभी से दौड़ने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 30% नंबर लाना ज्यादा कठिन बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत होगा, तो तैयारी आप हमारे चैनल से पढ़ाई की करिए, और बाकी फिजिकल के लिए रोज दौड़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा अवसर है, 5 मिनट तक दौड़ लीजिएगा, 50 अंक यहीं पे मिल जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए तो 5 मिनट तक 50 अंक, 5 मिनट से इनकी देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ है आपकी होती थी 1.6 किलोमीटर की, लड़कों की 1.6, लड़कियों की 1 किलोमीटर, अधिकतम 6 मिनट है।
पांच मिनट तक 50 अंक है दोस्तों, 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक है, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 तक 30, 5 मिनट 40 से 6 मिनट तक 20, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटी बात लिखी हुई है। इसके बाद 6 मिनट से अधिक देखिए जो भी लेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। फिर इसके बाद देखिए एक होगा गोला फेंक, गोला फेंक होगा 25 मार्क्स का। इसमें देखिए क्या है, सभी पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला आपको फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट तक फेंकोगे तो 9 अंक मिल जाएंगे, 17 फीट से 18 फीट तक फेंकोगे 13 अंक, 18 से 19 फीट फेंक दोगे 17 अंक, 19 से 20 फीट फेंक दोगे 21, 20 से ज्यादा फेंकोगे 25 अंक। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाएंगे, असफल घोषित कर दिए जाएंगे, समझ रहे हो। सभी कोटि की महिलाओं के लिए तो देखिए 10 फीट से 11 फीट तक 9 अंक, जो इनका वजन होगा 12 पाउंड का होगा, यह ध्यान रखना, न्यूनतम 10 फीट तक आपको फेंकना है। 10 से 11 फेंकोगे 9 अंक मिलेंगे, 11 से 12 फेंकोगे 13 अंक मिलेंगे, 12 से 13 फेंकोगे 17 अंक मिलेंगे, 13 से 14 फेंकोगे 21 अंक मिलेंगे, 14 से ज्यादा फेंक दोगे 25 अंक मिलेंगे। देखिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ज्यादा कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं है, मेहनत आपको फिजिकल में करना है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। फिर जो आपका तीसरा है देखिए दोस्तों, वो ऊंची कूद है, यहाँ पे 25 मार्क्स आपका मैक्सिमम है। और इसके अंदर देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऊंची कूद में पुरुषों के लिए है न्यूनतम 4 फीट की ऊंचाई और 4 फीट से 4 फीट 4 इंच तक कूदने वालों को 13, 4 फीट से 4 फीट 4 इंच से 4 फीट 8 के बीच में फेंकने वालों को 17, 4 8 से 5 फीट तक फेंकने वालों कूदने वालों को 21, 5 फीट से ज्यादा कूदने वालों को 25, ठीक है। 4 फीट ऊंचाई व कूद पाने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा जो 4 फीट से कम कूदेंगे। हाँ तो हाँ भाई, इसकी यही कैटेगरी है, आपको इतना कूदना पड़ेगा। महिलाओं के लिए देखिए 3 फीट मिनिमम हो जाएगी, 3 फीट से 3 फीट 4 इंच तक जो कूदेगा उसे 13, 3-4 से 3-8 तक जो कूदेगा उसको 17, 3 फीट 8 से 4 फीट तक जो कूदेगा उसे 21 अंक, और 4 फीट से ज्यादा कूदने में 25 अंक आपको मिल जाएंगे। 3 फीट से कम अगर आप कूदोगे तो बाहर हो जाओगे। इसके बाद देखिए आपका फिर फाइनल लिस्ट बनेगी आपके शारीरिक के अनुसार, और फिर आपका सिलेक्शन होगा कि कौन सेलेक्ट हुआ है कौन सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब देखिए किसमें कितनी सीटें खाली हैं, तो सामान्य वर्ग में 4950 और अग्निक में मतलब फायरमैन में 987 और कांस्टेबल में 4950। और सामान्य वर्ग का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी जा सकते हैं, अगर आप लोगों ने भी उतने नंबर स्कोर कर लिए तो आप लोग भी सामान्य कैटेगरी से सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 1584 और अग्निक के लिए फायरमैन में 314 सीट है। अनुसूचित जनजाति में कांस्टेबल में 99 है और फायरमैन में 19 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए 1782 है कांस्टेबल में, 359 है आपका फायरमैन में। पिछड़ा वर्ग में 1188 है आपका कांस्टेबल में, 225 है आपका पिछड़ा अग्निक में फायरमैन में। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं में 297 सीटें हैं सामान्य सिपाही कांस्टेबल में और फायरमैन में 61, ठीक है। टोटल देखिए 9990 आपका इसका है और अग्निक का हो गया आपका 1965 और टोटल आपकी जो यहाँ पे भर्ती हो गई 11865। तो देखिए दोस्तों ये था आपका पूरा सार, अगर आपको इसकी तैयारी करनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबाना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सारी मटेरियल फ्री में चाहिए, सारी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको उसको ज्वाइन करने में दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे उसको ज्वाइन करना है। मैंने आपको बता दिया है, प्ले स्टोर से जाइए उस ऐप को डाउनलोड करिए, उसको जैसे व्हाट्सएप को ऑन करते हैं वैसे उसको ऑन करिए, उसके बाद जो नीचे लिंक लिखी हुई है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मैं मानिंद प्रताप सिंह लेता हूं आप लोगों से विदा, मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।